Hey guys! तो आ चुका हूं मैं एक और वही वाला एपिसोड लेकर जिसमें आपको मिलती है खबरों के साथ बम बम बम। तो आज की सबसे पहली खबर आ रही है मिस मार्वल की तरफ से। आज से कुछ टाइम पहले हम लोगों ने रोस्ट वर्स में कवर किया था कि मिस मार्वल की मार्वल कॉमिक्स में डेथ होने वाली है, लेकिन अपनी खुद की नहीं, स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक्स में, क्योंकि उनकी खुद की तो पब्लिश हो नहीं रही। बेसिकली होता कुछ नहीं है, रॉबिन नाम का एक विलन होता है, रॉबिन तो खुद ही मर चुका है, वो अपने आप को नहीं बचा पाया, मारेगा कैसे किसी को। तो स्पाइडरमैन कॉमिक्स में रॉबिन नाम का एक विलन आता है एमजे को मारने, क्योंकि वो एमजे को मार के गॉड बन जाएगा। मेक सेंस, गॉडेस को पेलोगे तो गॉड तो बनोगे। एनीवेज, तो कमाला क्या करती है कि शेप शिफ्ट करके खुद एमजे बन जाती है, तो रॉबिन उसको पीछे से आता है, खच्चे खच्चे करके खंजर घोप देता है और ऐसे कमाला की डेथ हो जाती है। ऐसे ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, कुछ टाइम में वापस आएगी नई पावर्स के साथ जब उसकी पिक्चर रिलीज होने वाली होगी, क्योंकि उसका नाम अंकल बेन नहीं है। ऑल राइट, तो हमारी अगली न्यूज में बेकी जी को ब्लू बीटल में खादीजा के रोल में कास्ट कर लिया गया है। और नहीं, मैं इनको आदर सम्मान के लिए जी नहीं बोल रहा हूँ, इनके नाम में जी है, पार्ले जी वाला। तो बेसिकली जो ब्लू बीटल की एआई वाली वॉइस है वो ये देंगी। फिर इसके बाद डेबरा एन वॉल, जिसको आप कैरन पेज के नाम से भी जानते होंगे, उन्होंने हाल ही में कंफर्मेशन दिया कि वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वापस नहीं आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी विद दिस चॉइस, क्योंकि पूरे शो में मेरे को काफी अनोइंग कैरेक्टर लगती थी, पर कॉमिक बुक्स में वो ऐसी है, तो उन्होंने अपना काम पूरी अच्छी तरीके से किया था। फिर इसके बाद पैट्रिक स्टीवर्ट साहब ने बोला कि उनको इयान मैककेलन, जो उनके दोस्त होने के बाद भी दुश्मन का रोल प्ले करते हैं एक्समैन मूवीज में, और वो चाहते हैं कि जो लोगन और डेडपूल की पिक्चर बन रही है, डेडपूल 3, उसमें वो एक बार फिर से अपने यार और दोस्त वाला रियूनियन देखना चाहते हैं। सर, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आप एक ही रोल प्ले करते करते एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे चार बार मर के जिंदा हो चुके हो, और कोई कसर बाकी रह गई है अभी? खैर, इसके बाद नेटफ्लिक्स वालों ने अपना टुडुम इवेंट अनाउंस किया, जो कि 17 जून को टेक प्लेस करेगा, और इसे लेकर उन्होंने एक बढ़िया सी सिजल रील दिखाई हमको, जिसमें बहुत सारे शोज अनाउंस होंगे जिन्हें लेकर मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं, जैसे कि अवतार द लास्ट एयरबेंडर, इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के अगले सीजन का भी कुछ देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद कोबरा काई का नेक्स्ट सीजन, वेंसडे का सीजन 2, स्क्विड गेम का अगला सीजन, और इन सब के ऊपर रेबल मून, और भी बहुत कुछ होगा। 17 जून को सब पता लगेगा। फिर इसके बाद उनको पता चला कि एक न्यू रेसिडेंट ईविल मूवी, रेसिडेंट ईविल द अम्ब्रेला क्रॉनिकल्स, डेवलपमेंट में है। फिर से, अगर हर बार मुझे खबर सुनाने के 10 रुपया मिल रहे होते तो अभी तक करोड़पति होता मैं। फिर इसके बाद कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम चेंज होने की खबर हम पिछले काफी लंबे टाइम से सुन रहे थे, और अब फाइनली इसको एक नया नाम मिल चुका है, जो कि है कैप्टन अमेरिका अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये तो वही बात हो गई कि भाई मेरा होमवर्क कॉपी कर ले, बस शब्द बदल देना। बदले हुए शब्द क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ब्रेव न्यू वर्ल्ड? खैर, मैं आपको बताते तो करने के पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। ऐसा बोला जा रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है कुछ रेडिकल ग्रुप्स को सिंबलाइज कर रहा था, तो मार्वल वाले किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाह रहे हैं आफ्टर देयर मेजर कंट्रोवर्सी, तो इसीलिए भावनाएं है वही हैं, बस शब्द बदल गए। वर्ल्ड वॉर हल का है, कहा है वर्ल्ड वॉर हल, डाल लियो के का। फिर इसके बाद आज से कुछ दिनों पहले किसी ने जेरेड लेटो को जर्मनी में ये करते हुए देखा। मुझे लगता है सोनी वालों ने इनको अगली स्पाइडरमैन में लिया नहीं होगा, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स स्पाइडर इन टाइम। फिर इसके बाद एक अच्छी खबर सुनने में आ रही है कि लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 जो है उसकी फिल्मिंग 2023 के एंड या 2024 की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो सकती है। बेला रैम्से ने कहा है कि इसका जो अगला सीजन होगा काफी डार्क होगा, रिवेंज के ऊपर होगा और इंटेंस लव की भावना को शो करेगा। अब यहाँ पे तो चुटकुला भी बिना स्पॉइल करे नहीं मारा जा सकता। फिर इसके बाद अम्ब्रेला अकेडमी सीजन 4 की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, ये वाला इनका आखिरी होगा। एंड इतने हफ्तों तक वीडियो बनाने के बाद आज जाकर हमारा रोस्ट वर्स सफल हुआ है, क्योंकि फाइनली पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की न्यूज को कवर कर सकते हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि डिज्नी वाले फाइनली पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन पे काम करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास इसे लेकर कुछ आइडियाज हैं और उन्होंने जॉनी डेप को रूल आउट नहीं किया है। उनका कहना पड़ रहा है कि अभी हम कुछ भी कमिट नहीं कर सकते, हो सकता है कि हम लोग जॉनी डेप को ले लें। भाई साहब, आप पहले लॉर्ड डेप से भी तो पूछ लो कि उनको आना है कि नहीं। Which brings me to our other news, तो अपन को फास्ट एक्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में रॉक भैया का जो कैमियो देखने को मिला था, तो उसे लेकर एक कॉन्क्रीट खबर मिल चुकी है। तो हॉब्स जी का जो कैरेक्टर है वो फास्ट एक्स की अगली मूवी में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो फास्ट एक्स की अगली मूवी नहीं होगी और ना ही वो हॉब्स एंड शॉ का सीक्वल होगा, वो अपने आप में एक अलग पिक्चर बनेगी। क्या नाम जो कुछ भी हो, एक बात तो तय है, द हायरार्की ऑफ फास्ट एक्स यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज 1 quarter joule per second। फिजिक्स वाले समझ जाएंगे। और इसी चीज से जुड़ा हुआ उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि लास्ट समर मैं और विन डीजल बैठे और हमने थोड़ा सा तेरे माना लिया, और उसके बाद हमने अपनी जो भी बीफ थी, मतलब हमारी लड़ाई झगड़ा था, उसको स्क्वाश किया, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आता।
मतलब हमारे फैंस के ऊपर कुछ भी नहीं आता। और इसी से रिलेटेड हमारी अगली खबर भी है कि जो ओपेनहाइमर है उसको आर रेटिंग मिल चुकी है फॉर न्यूडिटी, वायलेंस और भी बहुत सारी चीजों को लेकर। एंड आई थिंक कि असली बम तो अब फटेगा। बट ऑन अ सीरियस नोट अगर देखा जाए तो ये आर रेटिंग बहुत सारी चीजों को लेकर मिली होगी। मे बी हो सकता है कि वो जो एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन है उसके आफ्टरमैथ को दिखाने की वजह से आर रेटिंग दी गई हो इस पिक्चर को, मतलब वो सेक्स सुक्स वाली चीज नहीं। जो कि मुझे लेके आता है सिडनी स्वीनी सिंप सेगमेंट, सॉरी साप्ताहिक सेगमेंट के ऊपर, जिसमें हमको इस बात का कंफर्मेशन मिल चुका है कि सिडनी स्वीनी जो है वो मैडम वेब में स्पाइडर वुमन तो बन रही है लेकिन जेसिका ड्रू नहीं, जूलिया कारपेंटर। जेसिका ड्रू वाली को लेकर तो मैं एक्साइटेड था लेकिन जूलिया कारपेंटर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, पूरे मतलब अलग कपड़े पहनती है। फिर इसके बाद कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रोडक्शन डिजाइनर ने कहा है कि जो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगी वो काफी ग्राउंडेड रहने वाली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेड हल्क जो है वो ग्राउंड पे रहेगा। लेकिन एक मिनट, ऑन साइड नोट, अगर पिक्चर में आया ही नहीं तो मेफिस्टो वाला वो भी तो लाल था। अबे नहीं। फिर इसके बाद स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की दो अमेजिंग डिटेल्स हमें पता लगी जो कि पवित्र प्रभाकर और इंडिया को दिखाने के लिए यूज करी गई थी। सबसे पहले तो जब माइल्स मुम्बाटन में गिरता है तो उसमें जो स्टाइल यूज किया गया था वो इंद्रजाल कॉमिक से इंस्पायर्ड था, क्योंकि उसमें हमें कहीं पर भी पर्सपेक्टिव ब्लॉक नहीं दिखाई देता। एंड इंद्रजाल कॉमिक्स 1960s में आने वाली इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉमिक बुक्स थी, तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का यहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करना एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड उसके बाद पवित्र की जो पूरी स्विंगिंग स्टाइल और के जो एक्रोबैटिक्स थे वो केरला के ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट स्टाइल कलरीपयट से इंस्पायर्ड था। एंड इट इज एक्चुअली गुड टू नो कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हमारे एज़रा भाई हैं वो फ्लैश मूवी को लेकर कोई भी प्रेस नहीं करने वाले हैं, मतलब मिनिमल प्रेस करेंगे। अब सही भी है, पता चल रहा है प्रेस के सामने अंडरटेकर मोड में आके किसी को चोक स्लैम। लेकिन डेयरिंग देखो, इधर सुनने में आ रहा है दूसरी तरफ कि इन लोगों ने फ्लैश 2 की स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है। मतलब डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्ड्रिक, एक ही आदमी का नाम है, अलग अलग नहीं है ये, इन्होंने जो बेसिकली एक्वामैन 2 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फ्लैश 2 की भी स्क्रिप्ट लिख के रख ली है। अब पहले ऊपर वाले आदमी से तो पूछ लो कि उसको बनवानी है कि नहीं बनवानी। एक्टर को बांध के ले जाना पड़ रहा है पहली पिक्चर के प्रीमियर के। इसको छोड़ के हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पैसे वो कमाए हमारे बाप का क्या जाता है, जिसमें सबसे पहले लिटिल मरमेड ने कमा लिया 300 मिलियन, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने 200 मिलियन की ओपनिंग ली है अपने पहले वीकेंड में, मारियो अलग ही रिकॉर्ड तोड़ रही है 1.3 बिलियन का बिलियन कमा चुकी है अभी तक, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 780 मिलियन पे पहुंच चुकी है और हमारे विन भैया की फास्ट एक्स भी पीछे नहीं है, 600 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। लेकिन जैसा मैं कहता हूं हमारे बाप का क्या जाता है, आगे बढ़ते हैं तो एक और खबर सुनने को मिली है। तो जो राइटर स्ट्राइक चल रही है वो हॉलीवुड की एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम बन के रह जाएगी जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं उसके कंपैरिजन में, क्योंकि हॉलीवुड अब 3 अलग अलग स्ट्राइक के सामने खड़ा हुआ है। तो बेसिकली जैसे राइटर्स एसोसिएशन है वैसे अलग अलग और भी एसोसिएशन है हॉलीवुड के सामने, तो उन लोगों ने देखा राइटर्स को खड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि अब हम भी खड़े हो जाते हैं। तो राइटर्स के जैसे डायरेक्टर्स और स्क्रीन एक्टर्स भी अब स्ट्राइक पे बैठने वाले। डायरेक्टर्स स्ट्राइक पे जाते इससे पहले उनकी सारी मांगों को मंजूर कर लिया गया और एक टेंटेटिव डील को भी साइन कर लिया गया, और ये देख के राइटर्स वालों की और सुलग गई, उन्होंने कहा अब तो हम नहीं हिलने वाले। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि जितने भी स्क्रीन एक्टर्स हैं, मतलब हमारे नॉर्मल वाले एक्टर्स नहीं, टीवी स्क्रीन एक्टर्स हैं, इसमें बेसिकली 1.5 लाख के आसपास एक्टर्स हैं, इन लोगों को देखकर अब ये भी स्ट्राइक पे जाने का प्लान कर रहे हैं। और अगर ये हो जाता है तो भाई पूरा का पूरा हॉलीवुड शट डाउन हो जाएगा, मतलब लिटरल शट डाउन। ये यूट्यूबर लोगों की कोई स्ट्राइक नहीं होती क्या भाई? तो देखो जैसा मैंने कहा था, एक तो मेरी बात कोई सुनता नहीं है, तो एंडी मुस्केटी अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि टॉप मोस्ट कंटेंडर है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड डायरेक्ट करने के लिए। अब इसका कंफर्मेशन नहीं है कि वो डायरेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हाँ टॉप मोस्ट कंटेंडर है। और देखो जो चीज मैंने विटनेस करी है उसके बाद आई एम लाइक 100% श्योर कि ये बंदा परफेक्ट है, डोंट लेट हिम गो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि फ्लैश की राइटर क्रिस्टीना हॉटसन ही बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को राइट भी करेंगी, विच इज एक्चुअली अ गुड न्यूज, क्योंकि मतलब सही लिखा है उन्होंने। फिर इसके बाद क्रीचर कमांडोज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिटेल पता लगी है। तो जो क्रीचर कमांडोज एनिमेटेड मूवी होगी वो बेसिकली डायनासोर आइलैंड के ऊपर बेस्ड होने वाली है, और जो आगे जाकर हमको लाइव एक्शन में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। अब मैं स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, अभी कितनी ज्यादा सच है कितनी ज्यादा नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे। लेकिन अगर ये सच हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जेम्स गन वो पहले बंदे होंगे जो सुपर हीरो यूनिवर्स में डायनासोर्स को लेकर आएंगे। आई मीन आई नो हम लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डायनासोर देखे थे पर वो ज्यादा देर के लिए टिके नहीं। अब वांडा के सामने कोई ज्यादा देर टिकेगा भी तो कैसे?
तो राइटर स्ट्राइक का कहर अभी भी हॉलीवुड पे बरस रहा है क्योंकि मूवीज डिले होती जा रही हैं। बैटमैन 2 भी डिले हो चुकी है, हालांकि उसकी रिलीज डेट पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज मैट रीव्स ने सब चीजें प्लान कर रखी हैं। वो मूवी के डायरेक्टर होने के साथ साथ इसके राइटर भी हैं और वो खुद स्ट्राइक पे चले गए। इसके अलावा थंडरबोल्ट्स का डिले हम लोगों ने पहले ही बता दिया था। डेविड हार्बर ने इस बात को कंफर्म किया है कि मूवी डिले हो चुकी है। इसकी रिलीज डेट पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं हमको इस बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन डेडपूल की फिल्मिंग अभी भी जारी है पता नहीं कैसे। फिर इसके बाद एक और बहुत ही बढ़िया सी खबर है जिसमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का हमको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। इसको बेसिकली डिलीट कर दिया गया। ये सीन बीच मूवी के एक सीन से कनेक्ट होता जिसको भी डिलीट कर दिया गया। ये उसी सीन का पार्ट होता जहां पर स्पॉट सारे के सारे डायमेंशंस को एक्सेस करते करते एक बार में पहुंच जाता है। इस बार का नाम नहीं होता, बेसिकली कॉमिक बुक्स में प्रेजेंट होने वाला अ बार विद नो नेम था ये, जहां पर सारे के सारे सुपर विलन्स प्रेजेंट होते और उस स्पॉट को देखते जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, उसका मजाक बनाते और उसको बहुत ही गंदी तरह से मार के वापस भेज देते। एंड इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम स्पॉट को अपनी अंडबर्न पावर्स लेने के बाद एक बार फिर से उसी बार में जाके उन सारे विलन्स की अच्छे से करते हुए देखते। आई मीन इट डज साउंड इंटरेस्टिंग, बट मैं ये भी समझ सकता हूँ कि सीन को मूवी से हटाया क्यों गया होगा, फिर मूवी में स्पाइडरमैन के अलावा किसी और की भी बच जाती ना। फिर इसके बाद जेना ओर्टेगा ने वेंसडे सीजन 2 को लेकर फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि जो सीजन 2 होगा वो अपने हॉरर एस्पेक्ट पे फोकस करेगा और जो रोमांटिक स्टोरी लाइन थी उसको वो लोग त्याग देंगे। सही बात है जेना जी, आप तो रोमांस वोमांस करो भी मत, आपके ऊपर तो शोभा भी नहीं देता। जेना ओर्टेगा सिम संस्थान की ओर से टिप्पणी। फिर इसके बाद हमारी साप्ताहिक गेमिंग न्यूज में एक बार फिर से स्पाइडरमैन 2 फीचर होते हुए, तो सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि स्पाइडरमैन 2 की जो रिलीज डेट है वो अक्टूबर 20th 2023 की है अगर ये डिले नहीं होता है तो। और इसके अलावा जो इसमें वेनम अपीयर होगा वो एडी ब्रॉक नहीं बल्कि कोई और है। मुझे पता है कि कौन होने वाला है, ऑफ कोर्स जिसने स्पाइडरमैन गेम खेला है उसको पता है कि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया गया था। ये वही बात हो गई कि पानी गीला है और छोड़ जाने दो। लेकिन इसके अलावा टॉम हॉलैंड ने हाल ही में इस बात का कंफर्मेशन भी दे दिया कि वो लोग स्पाइडरमैन 4 के बारे में अभी अभी बात करना स्टार्ट करे ही थे कि राइटर स्ट्राइक के चलते उन्हें इसे भी डिले करना पड़ गया। टॉम भाई, यहां पे जो पिक्चरें चालू हो गई हैं उनको रुकवा दिया है, आपकी तो बैठक जमी थी बस। फिर इसके बाद टॉम हॉलैंड ने यह भी कहा कि वो तब तक स्पाइडरमैन प्ले करना चाहते हैं एज लॉन्ग एज वो पीटर पार्कर के कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाए, एज लॉन्ग एज वो फैंस के साथ जस्टिस कर पाए, एज लॉन्ग एज उनकी जेब में मोटा पैसा जाता रहे। ये वही एक्टर है जिसने स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होने के बाद कहा था कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। समझ रहा हूं मैं टॉम भाई, समझ रहा हूं मैं। लेकिन इसके अलावा मूव ऑन करते हैं हमारी आज की सबसे बड़ी न्यूज पे, जो कि पता नहीं न्यूज नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मैं फ्लैश का रिव्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो देखो मुझे नहीं पता, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं कर सकता और मैं इसके बारे में और कहीं बात नहीं कर सकता, सो आई थॉट कि इसको रोस्ट वर्स में कवर कर लेना चाहिए, इससे अच्छा मौका और प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली मैंने फ्लैश की फैन स्क्रीनिंग अटेंड करी, मैंने फ्लैश देख ली है लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो आई वांट टू वेट टिल द मूवी रिलीजेस या मैं इसका फाइनल कट देख लूं एक बार। लेकिन हाँ, जो हमारी फैन स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। तो बेसिकली हम लोग फ्लैश की फैन स्क्रीनिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली गए थे और वहां पहुंचने के बाद हमको ये चीज पता चली कि इसको वॉर्नर ब्रदर्स नहीं करवा रहे हैं बल्कि उन्होंने किसी को आउटसोर्स किया हुआ है, और जो भी इवेंट था वो काफी अच्छा इवेंट था लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया था। एंड देखो मूवी कैसी भी हो उस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, मैं इवेंट की बात कर रहा हूं। हम लोग बाहर गए, हमें बहुत सारे लोग मिले, सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। दे वर एक्चुअली सुपर हीरो फैंस, बहुत सारे लोग कॉस्प्ले कर रहे थे, सब ने बहुत बहुत एंजॉय किया। लेकिन मैं उन लोगों की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मूवी देखने को नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन लोगों की मूवी एक्चुअली में छूट गई, बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो दूसरी सिटीज से आए थे मूवी देखने के लिए एंड दे डिड नॉट गेट टू वॉच द मूवी। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि ये WB इंडिया ने नहीं किया था, कोई और था जिसको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया था, बस वो लोग इस चीज को मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं सुपर हीरो फैंस की तारीफ करना चाहूंगा जो खड़े रहे, जिन्होंने एक भी बार अपना पेशेंस लूज नहीं किया एंड दे केप्ट ऑन पुशिंग। उन्होंने अपने सारे फोन सबमिट किए, उन्होंने मूवी देखी, इंजॉय किया, दे केप्ट ऑन शाउटिंग, जितने भी मोमेंट्स थे हम सब लोगों ने मिलकर इंजॉय किए। सो या अ ह्यूज सल्यूट टू यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, यू गाइज आर सुपर हीरोज, यू गाइज आर सुपर ऑसम। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब आदि पुरुष का ट्रेलर आ रहा था। शिट। खैर, तो कुल मिलाकर आज के रोस्ट वर्स के लिए तय रखते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जहां से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज। एक बार नेहरा बॉलिंग कर रहा होता है, अंपायर उसको नो बॉल देता है, तो नेहरा बोलता है मेरा पैर तो अंदर था, अंपायर बोलता है लेकिन तेरा दांत तो बाहर था ना।